मुझे तेरी जरूरत है। ये सब कुछ बोलने के बाद आदम ड्रिंक करते करते अपने रूम से बाहर चला जाता है। अब मैं क्या करूंगा? बिजनेस में अचानक इतना लॉस और सारे पार्टनर इसी वक्त मुझे छोड़ के चले गए। अब मैं कैसे फिर से इस बिजनेस को ग्रो करूंगा? कैसे सब ठीक करूंगा? कैसे? मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी कंपनी में और भी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करूँगा, और तुम्हें तो अच्छे से ही पता है कि मेरा कंपनी कितना बड़ा है, तो तुम्हें इससे कितना फ़ायदा हो सकता है। क्या सच में आप मुझे हेल्प करेंगे? हाँ, मैं आपको हेल्प करूँगा, लेकिन एक शर्त है। कैसा शर्त? देखिए, आपके पास तो अब ऐसा कुछ है नहीं कि जिसे देख के मैं इतना इन्वेस्टमेंट करूँ। तो आप ये कर सकते हैं कि आपके बेटी के साथ मेरा बेटा का शादी दे सकते हैं। नहीं, मेरा बेटी कोई चीज नहीं है कि जिसे मैं बिजनेस के लिए इन्वेस्ट करूंगा। आप ऐसे क्यों सोच रहे हैं? देखिए, इससे आपका और मेरा रिलेशनशिप भी अच्छा होगा, और आपका बेटी का एक अच्छे घर में भी शादी होगा। लेकिन अभी मेरी बेटी शादी के लिए तैयार नहीं है, वो जस्ट 20 ईयर्स ओल्ड की है। इससे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैंने उसे देखा है, वो बहुत ही टैलेंटेड है, वो सब संभालेगी। ऐसे ही योंजुन बहुत कुछ समझा के बिजनेस के बारे में बहुत इमोशनल ब्लैकमेल करके आखिरकार जिन के फादर को मना ही लेता है। ठीक है, मैं अपने बेटी से बात करूंगा। सॉरी जिन बेटा, अब मेरे बेटे की जिंदगी को बदलने के लिए तुम्हारी जिंदगी के साथ खेल नहीं पड़ेगा। एक्चुअली आज आदम और जिन का फर्स्ट नाइट है, ये अरेंज मैरिज है। आदम का फादर और जिन की फादर दो सालों से बिजनेस पार्टनर है, तो इसीलिए सुविन जिन के साथ कई बार मुलाकात कर चुका है, और जिन के साथ मुलाकात करने के बाद से ही उसे ऐसा लगने लगता है कि जिन की क्यूटनेस और इनोसेंटनेस ही आदम को बदल सकता है, इसलिए वो थोड़ा सा गलत काम का सहारा लेता है। पहले तो जिन के फादर के कंपनी में लॉस करा था, और इसके बाद जितने सारे लोगों ने जिन के फादर के साथ पार्टनरशिप किए थे, उन सारे लोगों को जिन के फादर के साथ पार्टनरशिप तोड़ने में मजबूर करता है। इसके बाद खुद जाके आदम और जिन के शादी के बदले में उसे हेल्प करने का प्रॉमिस करता है।
अचानक बिजनेस में इतना लॉस और पार्टनर्स के सडन एक्शन से वो बहुत ज्यादा डर जाता है और अपनी बेटी जीन के पास जाके इस बात को कहता है। और हमारे जीन तो है इतना इनोसेंट और सॉफ्ट हार्टेड, इसलिए वो इस शादी करने के लिए मान जाती है। और अदर साइड एडम अपनी माँ की कसम के लिए मान जाता है, लेकिन हजारों कोशिश करने के बाद भी योनजून आरिम को उसके घर में ही रहने के लिए मना नहीं पाती है। इस वजह से आरिम शादी के बाद ही जीन को लेके अपने पैलेस में चला जाता है। गॉड, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने ना ही कभी किसी का बुरा किया और ना ही कभी बुरा चाहा, तो मेरे साथ ही क्यों? हर एक लड़की की तरह एक अच्छा हस्बैंड और एक अच्छा फैमिली मांगना क्या मेरा बहुत बड़ा गलती था? गॉड, क्या बहुत ही बड़ा गलती था? जल्दी से इधर आओ। हाँ बोलिए। आज से घर का पूरा काम तुम करोगे और किसी भी काम ठीक से नहीं होगा तो उसका कॉन्सिक्वेंस के लिए तैयार रहना। और तुम लोग, ये सर, ये ध्यान रखना कि कोई भी मेड इसे किसी भी काम पे मदद नहीं करेगा। तुम लोग सिर्फ सारा काम इसे समझा देना। और आज रात से ही तुम लोगों का छुट्टी है, सो मैं घर आने के बाद तुम लोग दिखना नहीं चाहिए। ठीक है सर। और तुम ये ध्यान रखना कि रात में टाइम पे डिनर रेडी रहना चाहिए। ठीक है, आपका जैसा मर्जी। ये सारी बातें कहने के बाद ही आरिम वहाँ से जाने लगता है। सुनिए, अब ब्रेकफास्ट तो करते जाइए। तुम्हें क्या, मैं साइको दिखता हूँ कि सुबह सुबह तुम्हारे हाथ के बनाया हुआ बत्तीस का खाना खा के मेरा पूरा दिन खराब करूंगा? इसके बाद जीन पूरा दिन मेड के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम करके परफेक्टली पूरा काम खत्म कर देती है और अपने ब्यूटीफुल नेचर से सारे मेड्स के साथ फ्रेंडशिप कर लेती है। मैम, आप तो इतनी अच्छी हो और टैलेंटेड भी हो, तो आपने इस टेबल को क्यों शादी किया? और अब तो इतना प्रिटी हो कि ये हो ही नहीं सकता कि कोई लड़का आपको पसंद ना करे, तो आपने इस कोल्ड हार्टेड रूड पर्सन को क्यों चूज किया? आपको पता है सर कितना गंदा इंसान है, ये हर रोज रात में ड्रंक होकर आता है और इनका एक सर आने का टाइम हो रहा है, आई थिंक हमें ऐसे जाना चाहिए। ठीक है मैम, जा रही हूँ। अपना ख्याल रखना। हाँ मैम, और आप भी अपना ख्याल रखना। ओहो, मुझे भूख लग रहा है, मैं क्या करूँ? मैं क्या खाना खा लूँ? नहीं, मैं नहीं खा सकती क्योंकि ऐसे मुझे पसंद नहीं करता है और मैं खाना खा लिया तो और भी गुस्सा करेंगे। नहीं, मुझे नहीं खाना चाहिए। ये क्या, यहाँ फरिश्त हो गई है? इसके बाद आरिम जीन के पास जाता है और पहली बार के लिए जीन को देखता है। वो जीन को अच्छे से स्कैन करने लगता है, उसका आईज, नोज, नेक और धीरे धीरे उसके लिप्स तक जाता है और देन वो धीरे धीरे खुद पे कंट्रोल खोने लगता है। सॉरी, मैं वेट करते करते सो गई थी। आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए खाना लगा देती हूँ। उसका कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बाहर से ही खाना खा के आया हूँ। और तुम इधर ना सो के जाओ, रूम पे जाके सो। हाँ, मैंने तो खाना ही नहीं खाई और आपने तो डिनर बनाने के लिए बोले थे और आप बाहर से खा के आ गए।
अब से क्या मुझे तुम्हारे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा? मैं कब क्या करूंगा, क्या खाऊंगा, कहाँ खाऊंगा, ये सब कुछ का तुम डिसाइड करोगी? मैं तो जस्ट क्या? तुम्हें याद क्यों नहीं रखते हो कि तुम मेरे लिए जस्ट एक स्लेव हो, उसके भरकर कुछ भी नहीं। अब मुझे और गुस्सा ना दिला के जल्दी से रूम पे जाके सो जाओ। बट मैंने सुबह से खाना नहीं खाई। तुम्हें मैं अब जो करने के लिए कह रहा हूँ तुम जस्ट वो करो। और तुमने सुबह से खाना खाया है या नहीं खाया है ये मेरा कोई मैटर नहीं है, ये तुम्हारा फॉल्ट है क्योंकि मैंने तुम्हें खाना खाने के लिए एक बार भी मना नहीं किया। अब जल्दी से अपने रूम पे जाओ। ठीक है, जा रही हूँ। जाओ बेबी गर्ल, आज तुम तुम्हारी चैन की नींद ले लो, कल से मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। तुमने मुझे शादी करके कितना बड़ा गलती किया है अब तुम्हें ये पता चलेगा बेबी गर्ल। तुम्हें अच्छे से मजा चखाने के लिए ही मैंने तुम्हें यहाँ पर लाया और यहाँ के सारे मेड को छुट्टी दे दिया ताकि तुम्हें कोई भी बचा ना पाए। तुम मेरे बेड पे क्यों सो रही हो? आपने ही तो कहा कि मैं रूम पे आके सो जाऊं। हाँ, मैंने रूम पे कहा था, बेड पे नहीं। अब जाओ सुबह पे जाके सो जाओ। ठीक है। इसके बाद जीन और कुछ ना बोल के रोते रोते ही बेड से उठ के सुबह पे जाके सो जाती है। सुनो, आज खाना ठीक से बनाना, आज का खाना टेस्टी होना चाहिए। ठीक है, मैं अच्छे से खाना बनाऊंगी। और हाँ, आज मेरा गर्लफ्रेंड आने वाली है तो तुम अच्छे से उसका ख्याल रखना। वो तुम्हें जो करने के लिए बोलेगी तुम वही करना। उसे कोई तकलीफ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। गर्लफ्रेंड की बात सुन के जीन का दिल का हजारों टुकड़े हो जाता है, क्योंकि जब जीन आरिम को शादी करने के लिए हाँ बोलेगी तब से ही जीन आरिम को अपना पति मान ली थी और इतना एज के डिफरेंस होने के बावजूद भी आरिम को प्यार करने लगी थी। और शादी के बाद आरिम का ऐसा बिहेव देखने के बाद भी जीन उसे प्यार ही कर रही थी, लेकिन आज उसका दिल टूट जाता है। कुछ देर बाद ही आरिम का गर्लफ्रेंड चली आती है और आरिम जीन को उसे गर्लफ्रेंड के लिए कॉफी बनाने के लिए भेज देती है। जब जीन कॉफी लेके आती है तब वो देखती है कि आरिम और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। ये देखने के बाद जीन के आंखों में आंसू आ जाता है, लेकिन तब भी वो खुद को स्ट्रांग कर लेती है। कॉफी आ गया है। हाँ, तो यहाँ पर रख के चले जाओ। ओह, सो एनोइंग बेबी, तुम इस लड़की के साथ एक घर में रह कैसे लेती हो? देखो इसे, एकदम ओल्ड फैशन लगता है, किसी गांव से आई है। ओह बेबी, तुम उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? तुम हमारे बारे में सोचो। बेबी, मेरा फोन आ रहा है, तुम थोड़ा सा वेट करो, मैं अभी आ रहा हूँ। देख, तू उसका वाइफ हो सकता है लेकिन वो प्यार मुझे करता है, टच मुझे करता है और वेट पे भी मेरे साथ ही सोता है। तो तू कभी भी ये मत सोचना कि कभी ना कभी तू उसके दिल में जगह बना ही लेगी और वो तुझे प्यार करेगा। तो कभी भी इसका कोशिश भी मत करना। ये सब कुछ बोलने के बाद आरिम की गर्लफ्रेंड जीन के हाथ में सारा कॉफी जानबूझ के गिरा देती है और आरिम को आते देख के खुद फ्लोर पे बैठ के नाटक करने लगती है। बेबी देखो ना, ये मुझे धक्का देके गिरा दिया। हाउ डेयर यू जीन। तुम्हारा जीवन मैं ऐसे ही हिल कर दूंगा। तुम अब से हर पल यही सोचोगे कि तुमने मुझे शादी करके कितना बड़ा गलती किया। मुझे अच्छे से पता है कि यहाँ पर तुम्हारा कोई दोष नहीं है, लेकिन तब भी सब कुछ का जिम्मेदार तुम ही हो क्योंकि तुमने मुझे शादी करके बहुत बड़ा गलती किया है।
ऐसे ही आरएम जिनको हर वक्त तकलीफ देने की कोशिश करता रहता है और जीन सब कुछ सह लेती है। बेबी, हमने बहुत दिन से घर में कोई पार्टी नहीं की है। चलो ना, आज तुम्हारे घर में हम पार्टी करते हैं हमारे फ्रेंड्स के साथ। और तुम्हारे घर में ड्रिंक सर्व करने के लिए तो एक वेटर है ही, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। बेबी, तुम किसका बात कर रही हो? क्यों, तुम्हारा वाइफ? इसके बाद आरएम अपना गर्लफ्रेंड के प्लान के अकॉर्डिंग जीन के लिए एक शॉर्ट मेड के ड्रेस लाके देता है और उसे पार्टी में ड्रिंक सर्व करने की ऑर्डर देता है। पहले तो जीन ये शॉर्ट ड्रेस पहनने के लिए राजी नहीं होती है, लेकिन बाद में आरएम की वजह से उसे राजी होना ही पड़ता है। ऐसी ड्रेस में ऐसे देख के आरएम पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। आरएम जिनको तकलीफ देने के लिए ही उसे वेटर बनाया था, लेकिन एक्चुअली में जब ये होता है, मतलब वहाँ के लड़के जिनके बॉडी के बारे में गंदे गंदे कमेंट कर रहे थे, तब आरएम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसे एकदम अच्छा नहीं लगता है। जीन को लेके लोगों का गंदे गंदे बातों से आरएम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तब भी आरएम खुद को शांत रखता है। लेकिन जब एक लड़का जीन को टच करता है, तब आरएम खुद को शांत नहीं रख पाता है और वो सीधा उठ के जीन के हाथ पकड़ के उसे खींचते हुए उसे अपने रूम में ले जाता है। रूम पे जाके ही आरएम गुस्से से जीन को बेड में फेंक देता है। ये तुम क्या कर रहे थे? वो लड़का तुम्हें टच कर रहा था और तुम उसे टच करने दे रहे थे? लेकिन आपने तो मैंने क्या तुम्हें तुम्हारे बॉडी दिखाने का बहुत शौक है ना? चलो मैं तुम्हारा सारा शौक निकालता हूँ। एक्चुअली आरएम नशा, जेलसी और अपने गर्लफ्रेंड के दिए हुए धोखे से पूरी तरह से साइको हो जाता है, इसलिए वो ऐसे बात कर रहा था। जीन पार्टी में जाने के कुछ पल पहले ही आरएम को उसकी गर्लफ्रेंड की पूरी सच पता चल जाता है कि वो आरएम के पैसों के लिए ही उसके साथ रह रही थी और उसका और एक बॉयफ्रेंड भी है। आज मैं तुम्हारी लड़कों को बॉडी दिखाने का पूरा शौक निकाल दूंगा। लेकिन आपने तो बोला था कि मैं ये ड्रेस पहन के जाऊं और कोई भी मुझे कुछ करने के लिए बोलेंगे तो वो करूं। लेकिन आरएम जिनकी बात ना सुन के उसके ऊपर आके उसे वेट के साथ पिन करके उसके नेक में बाइट करने लगता है। प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे पेन हो रहा है। लेकिन आरएम जिनकी बात को इग्नोर करके उसकी लिप्स में कब्जा कर लेता है और जीन अपनी आईज क्लोज कर लेती है, क्योंकि ये जीन की फर्स्ट किस थी। इसके बाद आरएम धीरे धीरे खुद की और जीन की ड्रेस को निकाल देता है और फोर्सफुली जीन की बॉडी में अपने बाइट मार्क छोड़ देता है और बहुत ही ज्यादा पेन देके जीन को अपना बना लेता है। इस इंसिडेंट के बाद से आरएम जीन के लिए कुछ फील करने लगता है और पहले की तरह बात बात पे गुस्सा नहीं करता है। लेकिन इसके बाद से जब भी आरएम को स्ट्रेस फील होता है, तभी वो जीन के साथ फोर्सफुली इंटीमेट होता है, जिसे हम सरल भाषा में कह सकते हैं रेप। हाँ, ये हार्ड है, लेकिन यही सच है कि किसी के मर्जी के खिलाफ जाके किसी के साथ कुछ गलत करना को रेप ही कहते हैं, चाहे वो उसका हस्बैंड ही क्यों ना हो। और इसी वजह से जीन अब आरएम से डरती है और वो हर वक्त ये कोशिश करती है कि आरएम उसके ऊपर गुस्सा ना हो, क्योंकि आरएम जब जब उसके ऊपर ज्यादा गुस्सा हो जाता है, तभी वो उसके साथ बहुत ज्यादा राफली इंटीमेट होता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और एक दिन अचानक आरएम की मदर आरएम को जीन को लेके उसके घर आने के लिए बोलता है, क्योंकि जंगकुक बहुत दिन बाद उसका काम खत्म करके चला आया है और अब वो उसका भाभी को देखना चाहता है, क्योंकि शादी के टाइम ही उसे काम के लिए बाहर जाना पड़ा था, तो वो शादी के टाइम था ही नहीं।
अपने घर ले जाने के लिए आर्यन खुद जिन के लिए एक ब्यूटीफुल ड्रेस खरीद के लाता है। चलो मेरे साथ। इसके बाद आर्यन जिन को उसके घर ले जाता है। जब वो दोनों घर में एंटर करते हैं, तब जिन, तू कैसी है? तू, मैंने तुझे कितने सारे कॉल किया था लेकिन तूने उठाया ही नहीं। कितना फिकर हो रहा था तुझे पता है? तू कहाँ चली गई थी? तू ठीक है ना? जंगकुक, जिन को ऐसे रोता देख के जंगकुक तुरंत ही जिन के पास जाके उसे हग कर लेता है और इन दोनों को ऐसे देख के आर्यन सीरियस फेस बना लेता है। एक्चुअली जंगकुक जिन की फेस्ट फ्रेंड है। वो दोनों एक ही साथ पढ़ते थे लेकिन अचानक जिन की शादी आर्यन से हो जाने की वजह से वो दोनों का कॉन्ट्रैक्ट और नहीं हो पाता है क्योंकि आर्यन ने जिन के फोन को ले लिया था। हग करते हुए थोड़ी देर बाद जब जंगकुक ये रियलाइज करता है कि जिन ही उसका भाभी है, तब अपने आप ही वो सारे क्वेश्चन का आंसर पा जाता है जो क्वेश्चन अभी वो जिन को किया। और अंदर ही अंदर बहुत सैड होने के साथ साथ भी अपने मॉम डैड के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा भी होता है क्योंकि वो बहुत ही अच्छे तरह से जिन को भी जानता है और उसके भाई को भी जानता है। जिन, तू मुझे सच बोल कि तू सच में ही भैया के साथ खुश है या नहीं, या तुझे भैया टॉर्चर करता है? तू मुझे आज सब सच बता। मैं ये जानने के लिए ही तेरे साथ अकेले में बात कर रहा हूँ। तू किसी से मत डर, मुझे सच बता। नहीं, मैं उनके साथ खुश हूँ, मैं ठीक हूँ। क्यों झूठ बोल रही है तू? तेरे बॉडी में टॉर्चर का मार्क अच्छे से दिख रहा है। मैं तेरा दोस्त, तेरा बेस्ट फ्रेंड होके भी तुझे इस डेविल से बचा नहीं पाया। तू बताना कि भैया तुझे क्या बहुत ज्यादा टॉर्चर करते थे? तू कैसे ये सब कुछ सह लेती थी? कैसे? नहीं, अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। मैं कल ही तुम दोनों का डिवोर्स का इंतजाम करूंगा। नहीं, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। क्यों 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 तू इस गंदे पर्सन के साथ रहना चाहती है जो तुझे इतना हार्ट करता है? नहीं, मैं तुझे और ऐसे नहीं देख सकता हूँ। कल ही तेरा डिवोर्स होगा। नहीं, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा, मेरा कसम। सब लोग मिलके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं और थोड़ी देर बाद आर्यन और जिन घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जाते जाते आर्यन अचानक अपना कार स्टॉप कर देता है और बोलने लगता है, Get out। हाँ? लेकिन बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रहा है। Just get out from my car। इसके बाद जिन आर्यन के डर से कार से बाहर निकल जाती है और आर्यन इस भारी बरसात की रात में जिन को अकेले रोड में छोड़ के घर चला जाता है और गुस्से से घर की चीजें तोड़ने लगता है। और उसी टाइम जंगकुक को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है और वो जिन को ऐसे हालत में देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे अपने पापा के पास छोड़ आने के लिए जाता है। लेकिन जिन के बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट के वजह से उसे ना चाहते हुए भी उसके भाई के पास ही जिन को छोड़ के आना पड़ता है। तो तुम आ ही गए, बट इतना जल्दी? तुमने इतना जल्दी जंगकुक को कैसे सेटिस्फाई कर लिया? व्हाट? रिएक्ट तो ऐसे कर रहे हो कि मैंने कुछ गलत कर दिया। तुम दोनों ने कभी किया ही नहीं ऐसा कुछ। आप गलत समझ रहे हैं, हम दोनों जस्ट फ्रेंड हैं। लेकिन आर्यन जिन की कोई भी बात ना सुनके उसके साथ फिर से फोर्सफुली इंटीमेट होता है और इस बार उसे बहुत ही ज्यादा पेन देता है। मॉर्निंग में उठने के बाद जिन को इस हालत में देख के आर्यन को खुद पे बहुत ज्यादा गिल्ट फील होता है और वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है। बाथरूम से लौट आने के बाद देखता है जिन जिस पोजीशन में इतनी देर से लेटी हुई थी उसी पोजीशन में लेटी हुई है। सो इसे थोड़ा सा फिक्र होता है और वो जिन के पास जाके उसे बुलाता है।
लेकिन तब भी जीन नहीं उठती है। तो वो जीन के सर में हाथ रख के देखता है कि उसे हाई फीवर आया हुआ है। एक पल के लिए जीन को इस हालत में देख के आरएम बहुत ज्यादा घबरा जाता है और जीन को खोने के डर से वो रो देता है। और उसी वक्त जंगकुक जीन के फादर को लेके आरएम के वहाँ पर पहुँच जाता है और दोनों ही जीन को इस हालत में देख के बहुत शॉक्ड हो जाता है और टाइम वेस्ट ना करके तभी जीन को लेके हॉस्पिटलाइज किया जाता है। जीन की टेबलेट ठीक हो जाता है लेकिन तब भी उसके फादर आरएम को जीन के साथ बात करने की कोई भी चांस नहीं देता है। और अदर साइड जीन के एब्सेंट में आरएम करता है। अपने भाई को इतनी गंदी सिचुएशन में देख के जंगकुक को आरएम के ऊपर थोड़ा सा सिंपैथी होता है। इस वजह से जंगकुक आरएम को जीन के कॉलेज जाके उसके साथ बात करने का सजेशन देता है और आरएम भी जंगकुक की बात के अकॉर्डिंग जीन के कॉलेज जीन के साथ बात करने के लिए नेक्स्ट डे चला जाता है। जीन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज फिर से मेरे साथ जबरदस्ती मत कीजिए, आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। क्या मैं उसके साथ जबरदस्ती करता हूँ और वो मुझसे इतना डरती है? लेकिन ये तो सच है कि मैंने उसके साथ जबरदस्ती किया। देखो जी, तो तुम प्लीज ऐसा मत डरो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। जीन को इतना डरते देख के आरएम का दिल टूट जाता है और वो जीन का हाथ छोड़ देता है। आरएम जीन का हाथ छोड़ते ही जीन आरएम से डर के दौड़ने लगती है और जीन जीन की फादर आरएम को और भी जीन के पास जाने नहीं देते थे और आरएम जीन को एक पल के लिए देखने के लिए जीन के घर के बाहर घंटों का घंटा खड़ा रहता था। लेकिन एक दिन बहुत तेज बारिश होता है और आरएम वहां पर भी बहुत देर से खड़ा रहता है। ये देखने के बाद जीन और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है और वो दौड़ के आरएम के पास चली जाती है। और आज जीन के फादर भी जीन को नहीं रोकते हैं क्योंकि पहले तो वो आरएम के प्यार को देख के बहुत खुश हो गया है और दूसरी बात कि उसे अभी पता चला है कि जीन प्रेग्नेंट है। सॉरी जीन, मुझे माफ कर दो, प्लीज जीन मुझे एक चांस दो, मैं तुम्हें कभी भी हार नहीं करूंगा, प्लीज जीन मेरे पास आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है जीन, प्लीज जीन मुझे एक चांस दो। मैं अधूरा जी रहा हूँ, हर
मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। ऐसे ही स्टोरी के एंड में नामजिन मिल जाते हैं और जिन अपनी क्यूटनेस और इनोसेंटनेस से अपने कोल्ड रूड हस्बैंड को बदल ही देती है, जो एक दिन बोल रहा था कि उसे जिन की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार वो मान ही लेता है कि उसे जिन की जरूरत है। थैंक यू मुझे इतना अच्छा स्टोरी सजेस्ट करने के लिए, एंड मिस यू जिन अप्पा, बाय बाय।